सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। कर्नाटक की 224 संसदीय विधानसभा के नतीजे घोषित हो गए हैं। कांग्रेस ने 135 सीटों पर जीत दर्ज की है, वहीं भाजपा 66 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद अब लोगों में इस बात का उत्साह है कि पार्टी सीएम पद के लिए सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच किसे चुनेगी। इस बीच डीके शिवकुमार के भाई और कांग्रेस एमपी डीके सुरेश ने अपने भाई को सीएम बनाने पर इच्छा जताई है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सिद्धारमैया ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की जीत की नींव रखेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई है कि 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। रिजल्ट की तस्वीर साफ हो चुकी है और राज्य में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। मतदाताओं ने अपने 38 सालों की परंपरा को बरकरार रखते हुए बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। अब दक्षिण के किसी भी राज्य में पार्टी सत्ता में नहीं है। कर्नाटक में साल 1985 के बाद से लगातार 5 साल से ज्यादा कोई पार्टी सरकार में नहीं रही। विधानसभा की 224 सीटों में से कांग्रेस ने 135 सीटों पर जीत दर्ज की है। बीजेपी को 65 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। एक सीट पर देर रात तक काउंटिंग जारी रही, वहीं जेडीएस मात्र 19 सीटें ही जीत सकी, 4 सीट अन्य के खाते में गई। इस चुनाव में कांग्रेस को करीब 43% और बीजेपी को 36% वोट मिला, जबकि जेडीएस के खाते में 13% वोट गया। बता दें कि 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 104 सीटों पर जीत दर्ज की थी और उसे 36.22% वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस ने 78 सीटों पर जीत दर्ज की थी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत हुई है, क्या मायने हैं इस जीत के? जिस तरीके से कर्नाटक के दुर्ग को भेदा गया है कांग्रेस के द्वारा और काफी लंबे अरसे बाद जो है पूर्व बहुमत की सरकार कर्नाटक में कांग्रेस की बन रही है, ऐसे में कल देखा कि हमने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किस प्रकार से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में हर्ष था, उल्लास था और जश्न मना रहे थे अपने अपने कार्यालयों पे। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश के कांग्रेस मुख्यालय पे लगातार जश्न का माहौल था। बजरंग बली के स्वरूप में कांग्रेस कार्यकर्ता जो है लगातार जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे लगाकर इस जीत को सेलिब्रेट कर रहे थे। बिजाल खाबरी जो प्रदेश अध्यक्ष है यूपी कांग्रेस, उन्होंने बातचीत में बताया कि जिस तरीके से कर्नाटक के दुर्ग को भेजा गया है तो जल्द ही 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से इतर कांग्रेस की जो पार्टी है वो बढ़िया प्रदर्शन करते हुए राहुल गांधी के नेतृत्व में बाकायदा सरकार बनाएगी। अगर देखा जाए तो इसके पहले कर्नाटक में बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी ने सरकार बनाई और पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक को कुल 3 मुख्यमंत्री दिए। कर्नाटक के चुनाव में सबसे बड़ा फैक्टर लिंगायत समुदाय को माना जाता था, इस बार लिंगायत समुदाय जो है दो पार में दिखा, जहां एक तरफ बीएस येदुरप्पा जो पहले से ही भाजपाई हैं, भले ही राजनीति से दूर हो गए हैं लेकिन उनका पूरा सपोर्ट जो है भारतीय जनता पार्टी को था और वो लिंगायत समुदाय के सबसे बड़े नेता के रूप में माने जा रहे हैं। इसके बाद अगर बात करें तो जगदीश सट्टार जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, पूर्व मुख्यमंत्री और जो पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, वो भी भाजपा छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो गए थे। दोनों ही नेता लिंगायत समुदाय के बड़े नेताओं में शुमार हैं। अगर बात करें तो लिंगायत समुदाय कर्नाटक की कुल 224 सीटों पर तकरीबन 90 सीटों पर सीधा प्रभाव रखता है, यानी अगर जिस भी पार्टी को लिंगायत समुदाय का सपोर्ट प्राप्त है बेहद ही आसानी से कर्नाटक में उसकी सरकार बन जाती है। इस समीकरण को हम समझते हैं कि किस प्रकार से जगदीश सेट्टार कांग्रेस में और येदुरप्पा भारतीय जनता पार्टी में है, तो कहीं ना कहीं लिंगायत समुदाय दो भागों में बटा और दो भागों में वोट किया। इसके बाद अगर देखें तो राहुल गांधी का जो बयान आता है कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कुल 21 दिनों तक उन्होंने कर्नाटक में समय बिताया, कुल 7 जिलों में राहुल गांधी होकर गुजरे भारत जोड़ो यात्रा को, और प्रियंका गांधी ने साफ तौर पर यह श्रेय जो है राहुल गांधी और उनकी भारत जोड़ो यात्रा को दिया है।
विजय मिलने के बाद राहुल गांधी ने बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कर्नाटक में जो है नफरत की दुकान बंद हो गई है, मोहब्बत करने वालों का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। अगर देखा जाए 2024 के पहले कुल 9 विधानसभा राज्यों के चुनाव थे, जिसमें कर्नाटक जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी अहम माना जा रहा था, क्योंकि जिस प्रकार से कर्नाटक में लगातार उठापटक जारी थी, किस प्रकार से हमने देखा है कि बीएस येदियुरप्पा भाजपा से अलग हुए, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, अलग पार्टी बनाई, उसके बाद नुकसान जो है येदियुरप्पा और भाजपा को भी देखना पड़ा था। इसके बाद दोनों फिर एक साथ आए, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा येदियुरप्पा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और जिस तरीके से दोनों का एक दूसरे के बिना कुछ काम नहीं चल सकता था, इसके बाद येदियुरप्पा फिर से भाजपा में आए और राजनीति से दूर होने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी को लगातार सपोर्ट करते रहे हैं। अब बात करते हैं कांग्रेस की, जिन्होंने प्रचंड बहुमत से यहाँ पे सरकार बनाने जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उसके पास है कि आखिर कर्नाटक का मुख्यमंत्री सीएम पेस कौन होगा, क्योंकि ये पूरा जो ये लड़ाई थी कर्नाटक की, कर्नाटक के किले को भेदने की लड़ाई थी, वो बिना सीएम फेस की कांग्रेस ने लड़ी थी, राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ी थी, हाईकमान के नेतृत्व में लगी थी, और जिस तरीके से 21 दिन भारत जोड़ो यात्रा में कर्नाटक में बिताए थे, सब कहीं ना कहीं राहुल गांधी को ट्रोल कर रहे थे कि लोकसभा का चुनाव है, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और उत्तर प्रदेश को छू कर ये भारत जोड़ो यात्रा से निकल रहे हैं, काफी ट्रोल किया गया था। लेकिन जिस तरीके से कर्नाटक का परफॉर्मेंस कांग्रेस का है, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा हाथ भारत जोड़ो यात्रा का है, राहुल गांधी का है, क्योंकि 21 दिन में उन्होंने 7 जिलों को अपनी यात्रा के दौरान कवर किया था। इस समय सीएम कैंडिडेट में जो दौड़ शामिल है उसमें अगर बात करें तो डीसी कुमार जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, और उसके अलावा अगर बात करें तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसको सीएम बनाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। ये जो रेस मानी जा रही है वो 75 साल के सिद्धरमैया और डी श्री कुमार के बीच है। अगर बात करें तो उम्र के लिहाज से डी श्री कुमार सिद्धरमैया से काफी युवा है, लेकिन सिद्धरमैया की बात करें तो 2013 से लेकर 2018 तक वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, शासन प्रशासन संभालने की जिम्मेदारी का अनुभव उनके पास है। जी विवेक, जैसा भी आपने बताया कि दो नामों की चर्चा है जिसमें सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार है, तो क्या लगता है पार्टी किसे सीएम के पद के लिए चुन सकती है? देखिए, आज विधायक दल की मीटिंग होनी है और विधायक दल की मीटिंग में ये डिसाइड होगा कि जो पार्टी हाईकमान है वो क्या निर्णय लेती है, विधायक दल किसे अपना नेता चुनते हैं। अगर बात करें तो सिद्धरमैया के पास अनुभव है शासन चलाने का, सरकार चलाने का, वो 5 साल तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कर्नाटक को सर्व कर चुके हैं अपने 5 साल के कार्यकाल में। वही बात की जाए कांग्रेस नेता डी श्री कुमार की, तो वो दूसरे बड़े समुदाय यानी वोक्का लिग्गा समुदाय से आते हैं कर्नाटक में, और कर्नाटक में भी जाति समीकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है राजनीति में। अगर बात करें तो सिद्धरमैया तीसरे सबसे बड़े यानी कुर्बी समुदाय से आते हैं, तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जो लिंगायत जो है दो फाड़ में बट गई थी, उनके जो वर्ग से है कोई प्रतिनिधि निकल के नहीं आ रहा है लिंगायत के लिए, कहीं कहीं ये बात जो है वो चुभने वाली बात है, क्योंकि अगर बात की जाए तो पिछले 10 से 12 मुख्यमंत्रियों की बात करें तो उसमें 8 लिंगायत समुदाय से है। इसके बाद इसके पहले जब राजीव गांधी की सरकार थी कर्नाटक में, केंद्र में भी उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो लिंगायत समुदाय के मुख्यमंत्री थे, और जिस प्रकार से उन्होंने मुख्यमंत्री के बीमार होने के बाद ये साफ तौर पर कह दिया था कि हम मुख्यमंत्री बदलने वाले हैं, उसके बाद सिंपत्ति की लहर चली और उसके बाद से कांग्रेस की सरकार गई, उसके बाद पूर्व बहुमत की सरकार कांग्रेस की कभी भी नहीं रही, लेकिन इस बार पूर्व बहुमत की सरकार कांग्रेस की बनने वाली है। तो ये देखने वाली बात होगा कि विधायक दल में लोग किससे अपना नेता मानते हैं। हालांकि अभी तक सिद्धरमैया की अगर बात करें तो उनका पर्दा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि उनके पास अनुभव है, 5 साल तक वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 75 साल की उम्र है, और जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस हमेशा ही उस व्यक्ति को पद पे पहुंचाती है, मुख्यमंत्री बनाती है, जो पार्टी हाईकमान से सीधे संबंध रखता है, जो डायरेक्ट ऑर्डर जो है वो सोनिया गांधी या राहुल गांधी से लेते हैं। बगावती तेवर जो है वो कांग्रेस हाईकमान को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, तो उम्मीद यही लगाई जा रही है कि जो भी जो है जिनकी नजदीकी पार्टी हाईकमान से राहुल गांधी से सोनिया गांधी से ज्यादा होगी, जिनको आशीर्वाद हाईकमान का प्राप्त होगा, उनको जो है मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के पास प्रचंड बहुमत है। जी।
विवेक, देखें कर्नाटक चुनाव में जो सीधी टक्कर थी वो भाजपा और कांग्रेस के बीच थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, लगातार वो मैदान पर उतरे हुए थे। तो क्या लगता है भाजपा की अंदरूनी लड़ाई का फायदा कांग्रेस को मिला है? देखिए, अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी में जितने भी बड़े स्टार प्रचारक है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद वहाँ के दौरा किया है, जनसंपर्क किया है, गृह मंत्री वहाँ पे पहुंचे थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से बुलाया गया था, और जिस तरीके से पिछले 5 साल के कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्री बदले गए हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उसके बाद अगर बात करें तो तमाम बड़े आरोप जो है कांग्रेस ने करप्शन के लगाए थे, इसको देखते हुए जो भारतीय जनता पार्टी से लोग निकल कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं, तो उसका खामियाजा जो है वो बीजेपी को कर्नाटक में कहीं ना कहीं भुगतने को मिला है, जिसके बाद जो है वोटिंग परसेंटेज में भी गिरावट हुई है, जो सीटें हैं वो काफी गिरी हैं। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी उभर के रूप में आई है और कांग्रेस ने वहां पे सरकार बना ली है, तो कहीं ना कहीं फायदा जो है भाजपा के अंदरूनी कलह का कांग्रेस ने उठाया है, जिससे प्रचंड बहुमत की जीत उनको मिली है, कर्नाटक में वो सरकार बनाने जा रहे हैं। विवेक, जिस तरह से कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हुई है, क्या इसका 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भी कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, देखने वाली बात होगी कि 2024 में क्या प्रभाव पड़ता है। मैं थोड़ा पीछे जाना चाहता हूं, 2019 लोकसभा चुनाव के पहले जाना चाहता हूं, जब राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, उस समय कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को 3 राज्यों में सीधी टक्कर में हराया था, ये राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान से, और सब यही कह रहे थे कि जिस प्रकार से 3 बड़े राज्यों में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले पटखनी दी है, तो कहीं ना कहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में कुछ ना कुछ खेल होने वाला है। लेकिन अब सबने देखा कि किस प्रकार से 19 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार बनी, बेहतर तरीके से जीत की आई, पूर्ण बहुमत के साथ आई, और नरेंद्र मोदी दोबारा जो है वो सत्ता में आते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। ऐसे में जब 3 राज्यों के बाद कांग्रेस नहीं चेत पाई, तो ये बड़ा सवाल होगा कि क्या कर्नाटक के जीत के बाद क्या फिर से कांग्रेस चेतती है या नहीं, क्योंकि कांग्रेस इस जीत को कब तक भुनाना चाहती है ये डिपेंड करने वाला है। 24 के लोकसभा चुनाव में ज्यादा दिन अब शेष नहीं है, उत्तर प्रदेश का निकाय चुनाव अब खत्म हो चुका है, उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम जगहों पे जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लामबंदी कर रही है मोदी सरकार के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपना स्टैंड दिखाना होगा, और इस जीत को जो कर्नाटक की जीत है उससे जो उत्साह कार्यकर्ताओं में मिला है उसको धरातल स्तर पर ग्राउंड लेवल पर जो है वो कार्यकर्ताओं में वो फूकना होगा, जान कार्यकर्ता फूकेंगे ताकि कांग्रेस पार्टी को सीटें मिले, अच्छी सीटें मिले लोकसभा चुनाव में, और जिस प्रकार से वो विपक्षी पार्टी है लोकसभा में, मुख्य विपक्षी पार्टी का दर्जा हालांकि उसे अभी तक नहीं मिला है, तो सबसे पहली कोशिश की यही रहेगी कि अगर सरकार नहीं भी बनती है तो कम से कम मुख्य विपक्षी पार्टी का दर्जा जो है लोकसभा में उसको मिला जाए। अगर बात करें तो कर्नाटक विजय के बाद कम से कम 4 से 5 राज्यसभा सांसद जो है वो कर्नाटक से निकल के आ सकते हैं, कांग्रेस के लिए एक बड़ी खबर है। विवेक, बेहतर जीत तो कांग्रेस ने हासिल कर ली कर्नाटक में, और कितनी बड़ी चुनौती रहने वाली है आने वाले समय में ये कांग्रेस के लिए? देखिए, प्रचंड बहुमत की सरकार कांग्रेस की बनने वाली है, विधायक दल का नेता, विधायक दल की जो मीटिंग है उसमें विधायक दल का नेता तय होगा, उसके बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसकी जानकारी सभी को मिल जाएगी। अगर बात करें तो कर्नाटक जीतने के बाद जिस तरीके से थोड़े ही महीनों में लोकसभा का चुनाव है, तो चुनौतियां जो है कम किसी भी पार्टी के लिए नहीं होने वाली है, चाहे वो सत्ता में हो ना हो, चाहे वो केंद्र की सत्ता में हो या फिर केंद्र की सत्ता से बाहर हो, अब ये चुनौतियों का समय है। सभी राजनीतिक दल जो है वो एड़ी चोटी के मेहनत करेंगे लोकसभा चुनाव के लिए, और खास तौर पर हम जानते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो हमेशा ही एक्शन मोड में रहती है, चुनावी मोड में रहती है। जिस प्रकार से निकाय चुनाव के नतीजे आए हैं, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में जोश है, उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम जो कार्यकर्ता है, जो संगठन के कार्यकर्ता है, जो कार्यभार दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है संगठन के द्वारा, सरकार के द्वारा, उसके कार्यकर्ता पूरा करते हैं, उसी का ये नतीजा है कि पिछले 10 साल से उत्तर प्रदेश से अगर बात करें केंद्र सरकार में मोदी सरकार है, पिछले 6 साल से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, और जिस तरीके से बड़े चुनाव को छोड़ के अगर बात करें, छोटे चुनाव को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लक्ष्य बना के लड़ती है, रणनीति बना के लगती है, तो कहीं ना कहीं चुनौती किसी भी पार्टी के लिए मयूरी आसान नहीं होने वाले, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो। जी धन्यवाद विवेक हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। बता दें, जीत के बाद पार्टी नेताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। कांग्रेस ने
कर्नाटक में भारी बहुमत के साथ जीत हासिल की है। नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा के बागियों ने पार्टी प्रत्याशियों का खेल बिगाड़ दिया। प्रदेश के कई जिलों में नगर पंचायत अध्यक्ष से लेकर पार्षद तक भाजपा के बागी चुनाव जीते हैं। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी के वार्ड में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। नंदी के वार्ड संख्या 80 मोहित समगंज में भाजपा में से प्रत्याशी विजय वैश्य तीसरे स्थान पर रहे। आगरा नगर निगम चुनाव में भाजपा के दिग्गज भी अपनी प्रतिष्ठा नहीं बचा सके। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, नगर निगम चुनाव के संयोजक विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश, राज्यसभा सांसद हरद्वार दुबे के वार्डो में भी पार्टी के प्रत्याशी हार गए। इसके साथ ही भाजपा जिला अध्यक्ष गिरिराज सिंह कुशवाहा के पुत्र अमरीश भी चुनाव हार गए। धाकरान वार्ड 76 में निर्दलीय प्रत्याशी ने चुनाव जीता। यह उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय का वार्ड है। राज्यसभा सांसद हरद्वार दुबे के वार्ड 24 में भी भाजपा की हार हुई है। यहां तक कि जिला अध्यक्ष गिरिराज सिंह कुशवाहा के पुत्र अमरीश के नगला वार्ड नंबर 73 से चुनाव लड़ा था, वह भी चुनाव हार गए। उद्यान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह के गृह जिले रायबरेली में भी भाजपा की हार हुई है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष पद पर कांग्रेस ने जीते हैं। माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी के गृह जिले संभल की 3 में से 2 नगर पालिका में भाजपा की हार हुई है। बता दें, यूपी निकाय चुनाव का रिजल्ट सामने आ गया है। भाजपा के बागियों ने खेल बिगाड़ा है कहीं ना कहीं, और इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, योगी के कई मंत्रियों के वार्ड में प्रत्याशी हारे हैं। जी, मैंने जिस प्रकार से निकाय चुनाव लगातार भारतीय जनता पार्टी इसको एक लक्ष्य बना के ले चल रही थी कि जो मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं उनको जो है वो धराशाई कर देंगी, लेकिन अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव से पहले एक सर्वे कराती है क्षेत्र में, और उस सर्वे के आधार पर टिकटों का बंटवारा होता है। ऐसे में तमाम ऐसे लोग थे जो वहां से सभासद थे, पार्षद थे, और सर्वे के बाद उनका टिकट कट गया, लेकिन वो बागी बने और उसके बाद से निर्दल पर्चा वहां से भरा और लड़े भी और जीते भी। कई ऐसी जगह है जहाँ पे निर्दल प्रत्याशियों की अच्छी खासी मार्जिन से जीत हुई है। अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को जो बागी प्रत्याशी है उनकी बगावत का खामियाजा जो है देखने को मिला है। कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज कटा है और कहीं निर्दल प्रत्याशी अच्छे मार्जिन से जीत के आए हैं। ऐसे में अगर बात करें तो प्रयागराज में जो सबसे हॉट सीट थी नंदगोपाल नंदी जो कैबिनेट मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश के, उनकी पत्नी का टिकट कटा अभिलाषा नंदी का जो मेयर थी, उसके बाद जो उनका बूथ है वहां से जो है भाजपा को हार देखने को मिली। अगर बात करें आगरा की तो आगरा में भी भारतीय जनता पार्टी को हार देखने को मिली, और आगरा के प्रभारी AK शर्मा को बनाया गया था। कुल 18 मंत्रियों के अलग अलग जिलों के प्रभार दिए गए थे, जिसमें AK शर्मा को सिद्धार्थनगर और आगरा का प्रभार दिया गया था, और आगरा और प्रयागराज के अलावा भी कई और जगह है जहाँ के बूथों पे भारतीय जनता पार्टी को काफी टफ फाइट करनी पड़ी है, और कई जगहों पे भारतीय जनता पार्टी जो है जो बगावती प्रत्याशी हैं उनकी वजह से जो बगावती लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने बगावत करते निर्दल पर्चा भरा उनकी वजह से काफी दिक्कत का सामना भी इस निकाय चुनाव में करना भी पड़ा है। ये बात सत्य है, इससे नकारा नहीं जा सकता है। दूसरे फेज के चुनाव के समय ही जो बगावतियों की लिस्ट तैयार की गई थी लखनऊ में, वो एक लिस्ट तैयार करके उनके खिलाफ अनुशासन हिंसा की कार्रवाई की गई थी और पार्टी से उनको निष्कासित कर दिया था। तो इस निर्णय के बाद से कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को कुछ तो नुकसान इन बगावतियों की वजह से हुआ है, जिसके बाद से निर्णय भारतीय जनता पार्टी को लेना पड़ा है। कई जगहों पर प्रत्याशियों को टिकट काटे गए, प्रत्याशियों ने रो रो कर भूपेंद्र सिंह चौधरी से अपनी गुहार लगाई। उसके बाद जो अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष, उन्होंने उनको सांत्वना दी। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो अंत भला तो सब भला ये भी कह सकते हैं, क्योंकि निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहरा दिया है और 17 निगम की सीटों पर क्लीन स्वीप कर दिया है। और बाकायदा अगर देखा जाए तो इस निकाय चुनाव में पलड़ा भारतीय जनता पार्टी का भारी रहा है। बाकायदा इसके कि बागियों ने
उनका खेल बिगाड़ने की कोशिश की। इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी जो है जीतकर, अच्छे मार्जिन से जीतकर शहर की सरकार बना ली है। ट्रिपल इंजन की सरकार अब भारतीय जनता पार्टी की बन चुकी है। विवेक, हम ये भी देखें कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन नए चेहरों पर दांव खेला था वो उन्होंने जीत हासिल की है। जी बिल्कुल, मैंने आपसे कहा कि बाकायदा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक सर्वे कराता है और सर्वे के आधार पे जो है वो टिकटों का बंटवारा करती है। हर बार सर्वे होता है, चाहे छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, सर्वे कराया जाता है। उस लिहाज से टिकटों का बंटवारा करके प्रत्याशियों को चुना जाता है। तो ऐसे कई प्रत्याशी हैं जो नए हैं, वो यहाँ से आके भाजपा के टिकट भी जीतते हैं। ऐसे कई प्रत्याशी हैं जो दूसरे दल के थे। शाहजहांपुर की बात करें तो पहली बार निगम में शामिल हुआ। शाहजहांपुर से अर्चना वर्मा समाजवादी पार्टी से थी, लेकिन बाद में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उनको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा दिया। और चुनाव के दो तीन दिन पहले की बात है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें ज्वाइन कर वहां से उन्होंने जीत हासिल की। अगर बात करें तो जो बीजेपी के पहले से कैंडिडेट थे या फिर जो नए कैंडिडेट है जो पहले से बीजेपी में सर्व करते आए हैं, या फिर वो कैंडिडेट जो दूसरे दल से आके बीजेपी में जीते हैं, तो कहीं ना कहीं ये नए चेहरे हैं। या तो किसी दूसरे दल से आके भाजपा से टिकट लेके उन्होंने जीता है, या फिर भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता हैं जिनको जिनको इनाम भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। सर्वे में बकायदा उनका रिस्पॉन्स देखने को अच्छा मिला है। इसके बाद ही जो है भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया है और उन्होंने अपनी जो जीत हासिल की है, कहीं ना कहीं हाईकमान का जो निर्णय है उसको सफल भी साबित किया है इन प्रत्याशियों ने। जी धन्यवाद विवेक हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। बता दें भाजपा के बागियों ने कहीं ना कहीं खेल बिगाड़ा है। योगी के कई मंत्रियों के वार्ड में प्रत्याशी हारे हैं। वहीं एक तरफ देखें कि निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बंपर जीत हासिल की है। 17 के 17 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में आए हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।